तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं GTA 5। जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल में देख के पता चल गया होगा, तो गाइस आज हम करने वाले कुछ मिशंस। तो गाइस, GTA 5 के एपिसोड 2 में आपको पता होगा, जिन लोगों ने देखा है, हमने गिरा दिया था मार्टिन मद्राजो का घर, जो कि भाई $2.5 बिलियन का था। भाई बहुत भारी रकम है वो। तो गाइस, हम गए थे अपने पुराने दोस्त लेस्टर के पास, जो कि भाई एक हैकर है। भाई बहुत तगड़ा, उसका दिमाग भाई बहुत अलग लेवल का चलता है। तो गाइस, एनीवेज उसने हमें बताया कि यार तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम्हारा जो भी है पैसे वगैरह हम करवा देंगे हाइस्ट वगैरह करके। तो गाइस, लेस्टर ने बुलाया हमें कि एक गारमेंट फैक्ट्री है, तुम वहाँ पर आ जाओ। और हमने उसका काम तो आपको पता ही होगा, जेन और उसको मरवा के कर ही दिया था एपिसोड 2 के अंदर ही। तो गाइस, एपिसोड 2 के बाद लेस्टर ने बोला यार मैं तुम्हें बताऊँगा, बाद में कॉल करूँगा। गाइस, फिलहाल लेस्टर ने हमें बुला ही लिया, तो हम जाके देखते हैं गाइस क्या उसने प्लान करा है हमारे लिए। गाइस, मेरे को लगता है भाई कोई हाइस्ट वगैरह ही करवा रहा होगा, भाई बैंक वैंक से पैसा चुरवा रहा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। एक बार जाके जो है हम एक बार चेक कर लेंगे। गाइस, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ये देखो भाई बंदा आ रहा है। भाई लेफ्ट ले लेते हैं यहाँ से, बिल्कुल सामने सामने जा रहा है एकदम हाईवे से। तो गाइस, फिलहाल जो है मैं आ चुका हूँ लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री। तो गाइस, ये फैक्ट्री जो है एक्चुअली लेस्टर की नहीं है, उसने मतलब किराए पर ले रखी है। तो गाइस, जो भी प्लानिंग वगैरह है गाइस हम यहीं पर ही करने वाले हैं। तो फिलहाल जो मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, गाइस अपनी कार को रोक देते हैं और बाहर निकल के देखते हैं यार क्या सीन है, अंदर जाके देखते हैं। The hell is this place? Garment factory. I needed a job that didn't require me to do anything apart from paying taxes. Okay, listen. What do you got? The Holy Grail, the Union Depository, and they say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. So what do you think? Oh, let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. तो गाइस, फिलहाल माइकल की और लेस्टर की बातचीत हो चुकी है। तो गाइस, माइकल ने लेस्टर को बताया कि मुझे गाइस बड़ा हाथ मारना है और मेरे को छोटी मोटी चोरी नहीं करनी है। तो गाइस, लेस्टर ने बताया उसके लिए तो भाई सबसे बेस्ट रहेगा वेंजेलोस। तो गाइस, वेंजेलोस एक ज्वेलरी शॉप है, जो कि मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, सिटी में ही ज़्यादातर सारी चीज़ें जो लॉस सेंटर है गाइस उसमें ही सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ज्वेलरी शॉप से लेकर भाई बैंक वगैरह सारी चीज़ों, कपड़ों की दुकान भाई इधर ही मिल जाएंगी, कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल सामने गाइस हम जो है हाईवे से जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला गाइस, पहुँच जाएंगे जल्दी की जल्दी। भाई लेस्टर और माइकल फिलहाल तो क्रू सिलेक्ट करने की बातचीत कर रहे हैं। और गाइस, हम एकदम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं जो हमारी ज्वेलरी शॉप एकदम सामने है। My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. भाई ये क्या गाड़ी चला रहा है भाई बंदा, उसने ब्रेक भी नहीं मारी, देख रहा है भाई सामने बंदे आ रहे हैं। नहीं भाई, हम तो ले जाएंगे, ले जा भाई इसकी गाड़ी और उसे ख़त्म कर दिया हमने, कोई बात नहीं गाइस। जो एकदम यहीं पर ही हमें जाना था और बिल्कुल पहुंच चुके हम, तो एक बार सिनेमैटिक सीन भी हो जाए। और यहीं पे गाइस हमें रुकना है, यहीं पर रुक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस, गो टू ज्वेलर्स। तो गाइस, ज्वेलरी की शॉप जो है गाइस थोड़ा सा अंदर है। फिलहाल जो मैं अपना वेपन अंदर रख लेता हूँ, भाई किसी ने देख लिया ना। तो गाइस, आपको लेफ्ट में लिखा आ रहा होगा प्रेस ई टू एंटर ग्लासेस हिडन कैमरा। गाइस, जो ग्लासेस का इनमें एक हिडन कैमरा लगा हुआ है और गाइस एक में वॉकी टॉकी वगैरह भी लगवाया हुआ है लेस्टर ने। और सही है भाई, ये लेस्टर से बात कर सकता है माइकल से। गाइस, ये वेंजेलो, अंदर जाके देखते हैं गाइस। भाई ये बंदा लगा रखा है हमने गेट खोलने के लिए, जुड़े। तो गाइस, अभी लेस्टर कह रहा है यार अलार्म वगैरह की फ़ोटो खींच के भेजो, कैमरा वगैरह, हाँ वेंटिलेशन वगैरह की फ़ोटो खींच के भेजो। तो मैंने फ़ोटो वगैरह गाइस लेस्टर को भेज दी है बढ़िया तरीके से, 3-4 फोटो भेज दी है। और वो कह रहा है कि सब कुछ चेक है, असिस्टेंट से बात करनी है। अच्छा, hey, beautiful.
I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand? Our rings start at 8, our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the Vangelico logo here? No. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. तो गाइस आपको पता ही होगा इन दोनों की बात हो चुकी है और गाइस जो शॉपकीपर थी उसने बताया कि हमारी जो ज्वेलरीज हैं गाइस वो 18 कैरेट गोल्ड की होती हैं और 55 प्लैटिनम की होती हैं ऐसे कुछ बताया था उसने। गाइस मतलब बहुत ही तगड़ी चीज़ें हैं ये और इनका प्राइस भी गाइस बहुत ज़्यादा हाई है। तो फिलहाल जो है हम अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं और चलते हैं गाइस। और गाइस हमें एक एक्सेस ढूंढना है कि हम रूफ पे जा सकते हैं। वेंजेलोस के रूफ पे जाना है हमें। तो गाइस हमें जो है यहाँ से एक रास्ता मिल चुका है, यहाँ से हम जो है ऊपर जा सकते हैं। गो टू द रूफ टॉप। ये जो है कंस्ट्रक्शन एरिया है। ऊपर चलते हैं और ये गाइस लैडर वगैरह लगी हुई है, ऊपर चलते हैं। Southeast, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers. तो गाइस यहां पे जो हम बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं तो अभी जो है माइकल पूछ रहा है क्या करना है। गाइस हमें जो है वेंजेलिकोस की रूफ यूनिट पे एक फोटो खींच के भेजनी है लेस्टर को। तो ऊपर मैं यहां से जंप लगा देता हूं एक बार। ये आ गए चलिए एकदम यहां से ऊपर चढ़ के। ये देखो गाइस ऊपर चढ़ते हैं फिलहाल। ये है गाइस रूफ यूनिट गाइस, यही है सामने आपको दिख रहा होगा, यही है। ओ भाई ज़्यादा ही लंबी जंप मार दी, कोई बात नहीं, उड़ जा माइकल। माइकल अपना फिट आदमी है भाई, कोई दिक्कत नहीं गाइस। यहाँ से गाइस नीचे जंप लगाते हैं गाइस। मेरे को एक बार ऊपर जाना पड़ेगा, देखो वहाँ पे बता रहा है गाइस लेफ्ट से हाईएस्ट पॉइंट पे जाओ। ओ भाई एक और बार फिर से लंबी जंप लगा दी, नेवर माइंड। तो गाइस यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं हमारी जंप। तो गाइस फिलहाल मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ गाइस। यहाँ से जो है मेरे को ई दबा के कैमरा की जो कैमरे से मतलब ग्लासेस हैं जो हमारे हिडन कैमरा लगा हुआ वो उनकी फ़ोटो खींच के भेजनी है रूफ यूनिट की। और गाइस मैंने फ़ोटो वगैरह भेज दी हैं, लेस्टर कह रहा है चलो आ जाओ, इतनी फ़ोटोज़ काफ़ी रहेंगी। फिलहाल गाइस वापस से चलते हैं नीचे अपनी गाड़ी के पास। तो गाइस फिलहाल मैं जो है नीचे एकदम आ चुका हूँ और बिल्कुल एकदम बाहर जाना है, कोई दिक्कत नहीं गाइस। और ये रही अपनी गाड़ी जो है मेरे हिसाब से अब तक तो हमें वापस से गारमेंट फैक्ट्री जाना होगा, अपना जो काम हो चुका है। माइकल ने ग्लासेस दे दिए। देखो गाइस अब वापस से हमें गारमेंट फैक्ट्री जाना है और इन्फॉर्मेशन वगैरह की जो गाइस हमने फोटो खिंचवाई उनका गाइस प्रिंट आउट निकलवाना है एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलते हैं गाइस वापस से गारमेंट फैक्ट्री। Nothing that'll cause undue complications. Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store by the register, so I'd start there. Glass in the cabinets wasn't bulletproof, means you can smash them easy enough, but तो गाइस लेस्टर बता रहा है कि जो ग्लास लगा हुआ है वो बुलेटप्रूफ है और जब वो खुला होगा तब हमें जाना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा गाइस जब चोरी होती है ज्वेलरी शॉप में गाइस जब वो दुकान बंद हो जाती है तभी चोरी होती है, लेकिन जो ग्लास है गाइस वो बुलेटप्रूफ नहीं है तो हम उसे तोड़ सकते हैं इजीली और हमें जाके जब वो खुला होगा तभी जाना पड़ेगा। और फिलहाल माइकल भाई फ्रैंकलिन के बारे में बता रहा है कि उसे ले लेते हैं, लेकिन गाइस लेस्टर अभी तैयार नहीं है कि भाई वो भी नया बंदा है उसके साथ हमें काम नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बता रहा है भाई माइकल भाई सही बंदा है वो, उसे ले लेना चाहिए। फिलहाल इन दोनों के बीच में बातचीत चली है क्रू सेटअप करने के लिए और प्लानिंग वगैरह थोड़ी बना रहे हैं लोग। मैंने आपको बताया था भाई लेस्टर एक मास्टरमाइंड बंदा है, बहुत तगड़ा उसका जो दिमाग काम करता है। गाइस फिलहाल हम लोग हैं जो है गारमेंट फैक्ट्री आ चुके हैं, तो यहाँ से मेरे को राइट लेना है। ये आ गई अपनी फैक्ट्री, यहीं पर जो है ब्रेक लगा देते हैं। भाई डार्नेल ब्रोस लिखा हुआ है फैक्ट्री के ऊपर और ये भाई प्रिंट आउट निकल गई, फोटो वगैरह हमारी जो है तैयार हो गई।
ये देखो भाई पूरा मैप लगा रखा भाई बढ़िया तरीके से। माइकल खुश है भाई, उसका कर्जा तो चुक जाएगा कम से कम। गाइस फिलहाल जो है हम लोग क्रू वगैरह सेटअप करने वाले हैं। और गाइस अप्रोच जो है एक तो दो अप्रोच देंगे ए बी, तो गाइस ए लाउड और बी ए स्मार्ट। तो गाइस मेरे हिसाब से भाई मेरे को स्मार्ट चूज करनी चाहिए क्योंकि स्मार्ट सही रहेगी भाई, ज्यादा खून खराबा नहीं होगा, तो स्मार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। और गाइस ये है भाई क्रू सेलेक्ट करनी, गाइस ड्राइवर भाई ड्राइवर कौन सा रखें भाई, मेरे को तो गाइस ये बढ़िया लग रहा है दूसरा वाला बंदा, लेकिन इसका कट भी भाई 14% होगा पूरे रेवेन्यू में से, कोई बात नहीं गाइस। गन में भाई गस मोटा ले लेते हैं। हैकर भाई पेज ये सही है भाई, ये बंदा सही है मतलब बंदी। और गाइस का कट भी भाई बहुत ज्यादा 15% भाई तगड़ा कट हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं कमाई लेंगे पैसा भाई, बहुत तगड़ी जो है रेवेन्यू होगा। और गाइस फिलहाल इन दोनों की भाई एकदम प्लानिंग वगैरह सब सेटअप हो चुकी है। और गाइस लेस्टर बता रहा है कि जब तैयारी हो जाएगी मैं तो मैं कॉल कर दूंगा, तो ये वाला मिशन हमारा जो है पास हो चुका है। तो गाइस एक बार जो है फ्रैंकलिन को कॉल लगा के बता देते हैं। गाइस मैं फ्रैंकलिन को कॉल लगा दिया है और वो भी उठा लिया उसने कॉल। इट्स मी माइकल, व्हाट्स गोइंग ऑन? लिसन आई गॉट टू गेट होल्ड ऑफ द मनी फॉर दैट हाउस वी पुल्ड डाउन, सो आई एम गेटिंग अ क्रू टुगेदर फॉर यू कैन गेस द पे विल बी ऑफुल एंड द रिस्क विल बी हाई बट यू माइट लर्न समथिंग if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you could put together your own deals, your own jobs. चलो गाइस फ्रैंकलिन तो मान गया है अपने मिशन में आने के लिए, लेकिन गाइस अब जो है मैं एक बार अपना कैरेक्टर फ्रैंकलिन पे चेंज कर लेता हूँ और जो है हम जो है फ्रैंकलिन के कुछ मिशन वगैरह कर लेते हैं। माइकल के तो कर ही लिए, अब जो है मैं एक बार अपना कैरेक्टर फ्रैंकलिन पे चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ओल्ड दबा के मैं चेंज कर लिया कैरेक्टर। तो गाइस अपना फ्रैंकलिन तो भाई पहाड़ियों में आ चुका है और भाई बाइक वाइक साफ कर रहा है भाई, घूमने आया होगा भाई, आपको तो पता ही है भाई वो घूमता रहता है फ्रैंकलिन। और मुझे जो है गाइस ये एम जो है ये एम पे नहीं जाना, मेरे को एफ वाले मार्कर पे जाना जो कि भाई फ्रैंकलिन का घर है, और वहाँ से अगर मेरे को एक नया मिशन उठाना है। और फ्रैंकलिन गाइस मैंने मिशन वगैरह नहीं करे, और माइकल के पर्सनल वाले मिशन नहीं करे, ना कि फ्रैंकलिन में कोई पर्सनल मिशन नहीं करे भी। फिलहाल जो है लेस्टर के मिशन करे हमने, जो लेस्टर के पास ही गए थे, और भाई काफ़ी दूर है भाई ये तो 2.32 माइल्स अच्छा खासा भाई 7-8 किलोमीटर दूर है, कोई दिक्कत नहीं गाइस पहुंच जाएंगे। गाइस मैं जो है इधर से शॉर्टकट यूज़ करने वाला हूँ, देखो भाई ऑफ रोडिंग एकदम बढ़िया, पहाड़ों के रास्ते से जाएंगे, कोई बात नहीं गाइस। लमार का फ़ोन आ रहा है, लमार का फ़ोन उठा लेते हैं। Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dog. तो गाइस लमार कह रहा है कि मैंने जो चॉप है, गाइस लमार का पेट है, उसको गाइस फ्रैंकलिन घर पे छोड़ दिया है। भाई सही बात है, तो फ्रैंकलिन मेरा खुश है कि उसके घर पे चॉप आ गया। तो गाइस मैं फ्रैंकलिन के घर के एरिया में आ चुका हूँ, और गाइस फ्रैंकलिन घर बिल्कुल सामने ही है, यहाँ से एकदम लेफ्ट ले लेंगे और ये फ्रैंकलिन घर आ गया। फ्रैंकलिन की गली आ चुकी है, ये रहा भाई फ्रैंकलिन घर। बाइक को गाइस यहीं पे खड़ी कर देते हैं। भाई मेरे को लग रहा है बाइक को गाइस अंदर करना ही सही रहेगा, भाई चोर वगैरह काफी हैं फ्रैंकलिन की गली में। तो गाइस अब अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। भाई हल्ला सा हो रहा है, इन लोगों की पार्टी चल रही है अंदर। फ्रैंकलिन की आंटी के भाई दोस्त आ रहे हैं, पार्टी चल रही है। फ्रैंकलिन का मत्था खराब। तो गाइस फिलहाल फ्रैंकलिन को भाई बाहर निकाल दिया गया है, भाई बुरी तरीके से उसकी आंटी ने भगा दिया, भाई यहाँ से जाओ हमें पार्टी करने दो। ये देखो भाई लमार आ चुका है इधर।
देखो भाई लवार के साथ एक बंदा और आया भाई, वो बोला भाई थोड़ी रिस्पेक्ट करो मेरी। I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. Franklin, bro. I missed you, dog. सुना दी भाई फ्रैंकलिन ने तो भाई बंदे को, पता नहीं क्या नाम है बंदे का। तो गाइस फिलहाल इन दोनों के बीच में भाई बहुत तगड़ी बहस हो चुकी है। ये देखो भाई एक दूसरे की भाई बेइज्जती कर रहा होते भाई। इस बंदे ने मतलब हाथ पैर चला रहा है भाई, पता नहीं भाई पंगा बंदे फ्रैंकलिन से भाई यहीं पे पीट देंगे, पता नहीं चलेगी बेटा कहाँ गया। देखो भाई बड़ा गुस्से में फ्रैंकलिन फिलहाल तो भाई। ये बंदा भी भाई कम नहीं है भाई, बहुत बेइज्जती कर दी इसने फ्रैंकलिन की। फिलहाल लमार समा रहा है भाई, लमार कह रहा है गाइस कि भाई रहने दे भाई, अपना ही बंदा है वो, थोड़ा बिजनेस वगैरह करवा देगा, कोई बात नहीं गाइस। तो फिलहाल जो है हमें जाना है गो टू एम्यूनेशन भाई। ये तीनों के तीनों बंदे बैठ चुके। अच्छा तो गाइस ये बंदे मतलब जो हैं भाई एक ही जो फैमिली होती गाइस, एक तो ग्रीन फैमिली होती है और एक जो पर्पल फैमिली होती है गाइस। पर्पल फैमिली तो भाई ग्रीन फैमिली की एनिमी होती है, एक दूसरे के एनिमी होते हैं। तो गाइस फिलहाल जो है हमें जाना है एम्यूनेशन। तो गाइस इन दोनों के बीच में फाइट चलती रहती है भाई, गैंग वॉर चलते रहता है, आपको पता ही होगा गाइस। ये तीनों भाई एक फैमिली के बंदे, मुझे लगा भाई डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के बंदे हैं, कोई बात नहीं गाइस। देखो भाई होमी होमियों की बात चला रहा है भाई लमार, भाई पागल ही है ये। देखो भाई हम सारे होमी है लेकिन वो बड़ा होमी है भाई, अलग ही भाई इनका लॉजिक रहता है। कोई नहीं, जो अपनी शॉप आ चुकी है, अंदर जाके देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। वेलकम टू एम्यूनेशन। And all our weapons are customizable. Oh, hell so, yeah, bhai, sab customizable hai. Blam, blam out up in here. Quit all that. Just straight up artillery, man. All right. Guys, filhal E2 Browse Armor. यहाँ पे सुपर लाइट आर्मर भाई $500, $1,000 और स्टैंडर्ड आर्मर भाई $1,500। भाई आर्मर भी लेना चाहिए, 1500 वाला ही ले लेते सबसे सही रहेगा। अब जो बाय अ पंप शॉटगन एंड अ फ्लैशलाइट मॉड, तो कई समय पंप शॉटगन बाय करनी है। ये गाइस पंप शॉटगन इसे बाय कर लेते हैं $550। कोई नहीं का, इसकी थोड़ी बहुत एमो बाय कर लेते हैं। और फ्लैशलाइट भी बाय करनी है हमें, फ्लैशलाइट भी गाइस बाय कर ली है और एमो थोड़ी बहुत और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सप्रेसर भी गाइस ले लेते हैं और सप्रेसर जो मैंने बाय कर लिया, सप्रेसर सही रहेगा भाई, एकदम साइलेंट किलर बन जाएंगे। और आर्मी टेंट लगा लेते हैं यहाँ। तो भाई LSPD टेंट भाई ये तो नॉर्मल लग रही है, कोई फ़र्क ही नहीं दिखा रहा भाई। $600 भाई ठग लेंगे बंदे, कोई नहीं गाइस आर्मी टेंट लगा लेते हैं, सबसे सही लग रही है एकदम बढ़िया। तो फिलहाल जो हमने अपनी शॉटगन वगैरह बाय कर ली और बाहर चलते हैं भाई। ऊपर देखो थैंक्स फॉर विजिटिंग, सही है भाई एकदम बढ़िया तरीके से भाई इसने शॉप अपनी करवा रखी है। तो ये रही गाइस अपनी गाड़ी। तो गाइस हमें जाना, पता नहीं किधर इन लोगों ने बताया रखा है, बैठ जाते हैं भाई, उनको बिठा के ले चलते हैं। तीनों के तीनों बंदे बैठ गए, चलते हैं। चलो गाइस We got ourselves a drug deal. Why do I get the feeling it's gonna be one of some mark talk like that to an OG? Guys, फिलहाल मैं बस पहुंचने वाला हूं, ज्यादा दूर नहीं है। ज्यादा दूर नहीं, हम लोग 1 किलोमीटर का रास्ता और हुआ था ऐसा। What's happening? गाइस इन तीनों का भाई डिस्कशन चल रहा है भाई, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। भाई फ्रैंकलिन जो है भाई इस बंदे से लड़ पड़ा है, पता नहीं क्या हो गया गाइस दोनों के बीच में। Bullshit, man. It's realer than this crap. तो बस गाइस ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, इधर से लेफ्ट लेना है मुझे और इधर ही आना था जहां तक। ये देखो भाई इधर ही है, पता नहीं भाई कैसी जगह है। इधर रुक जाते हैं गाइस फिलहाल, जो है गाड़ी को एकदम पार कर देता हूँ, एकदम अच्छी तरीके से लगा देते हैं, इसमें वापस जाना है। और अंदर जाके देखते हैं गाइस, ऊपर चलना है, उधर ही आना था ना गाइस। भाई ये कौन बंदा है गाइस? ये तो मेरे को बेलास गैंग का बंदा लग रहा है जहां तक। ये देखो भाई फ्रैंकलिन गुस्सा हो गया, वो भाई ये बता रहा है इसको हमने किडनैप किया था। और हाँ गाइस मिशन में एक बार इसी बंदे को हमने किडनैप किया था और इसकी भाई जो मुंह पे जो चोट लगी है भाई, ये जो चॉप है भाई पेट
जो अब फ्रैंकलिन का है, उसने भाई इसके मुंह में पंजा मार दिया था। और भाई ये देखो ये कौन आ गया भाई, बैलेंस गैंग के बंदे आ गए भाई, इसको उड़ाना पड़ेगा भाई। देखो बैलेंस गैंग के बंदे आ गए भाई, मार दे भाई इसको, मार दे। ये देखो भाई उड़ा दिया भाई इसी बंदे, भाई ये बंदा तो कर रहा है तो भाई से छोटा मोटा समझ रहे तो कर रहा निकला। फिलहाल भाई तगड़ी लड़ाई होने वाली है। देखो फिलहाल मेरे पास पंप शॉट है ना, इनको मैं बजा दूंगा भाई, बढ़िया तरीके से बजाने वाला हूँ भाई। फ्लैश लाइट और सप्रेसर भाई क्या तगड़ा लग रहा है एकदम भाई, मज़ा आ रहा है इनको पीटने में फिलहाल तो। भाई ये तू भाई कहाँ भाई रश कर रहा है, पता नहीं भाई किसके सामने किसको रश कर रहा है तू भाई। तू भी ले भाई कवर में तो चले जा भाई ढंग से। लोग फिलहाल आगे चलते हैं, थोड़ी बहुत एमओ इनसे मेरे को मिल जाएगी, पिस्टल वगैरह लेके आ रहे थे देखो, ज़्यादा खास तगड़े बंदे नहीं थे। गाइस लमार जो है आगे जा रहा है, उसको कवर देना है भाई। पूरा गेट उड़ गया, दो बंदे हैं भाई, दोनों को जो है बजा दिया है। रीलोड कर लेते हैं उनको, एफ पी पी में भाई तगड़े जो है फायदा रहता है थोड़ा। देखो इसको भी बजा दिया, ये भी गया भाई। और टी पी में गाइस जो है हम कहीं पर कैंप करके बैठ जाना भाई, टी पी पी लेके भाई सही रहता है भाई, एकदम बढ़िया एम बनता है। कोई नहीं ये भी गया, कैमो वगैरह उठा लेते हैं भाई, साथ साथ मारते जाओ पेलते जाओ और एमो लेते जाओ। शॉट गन की और नीचे जाना, मैं जो एक बार लाइट ऑन कर देता हूँ अपनी गन की, और हम तीनों नीचे जा रहे भाई। वो बंदा जो मतलब थोड़ा बूढ़ा सा है वो पीछे रह रहा है भाई, देखो दिमाग है सब में, क्या पता से गोली वोली लग जाए बेचारा और जी ना पाए। इनको आगे भेज रहा भाई, फ्रैंकलिन आगे जा रहा है भाई अपना। ओ भाई बंदे आ गए, बंदे आ गए, पेलो पेलो दोनों बज गए। तीसरा बंदा भी आ गया, ये भी गया, इसको भाई लमार ने उड़ा दिया। ये देखिए भाई तू का AK-47 से चला रहा है, हमें मारेगा भाई। तीन बंदों ने भाई पूरी इनकी गैंग सी खत्म कर दी है। इधर आ गए भाई, ये यहाँ पर तो ज़्यादा बंदे भाई, ज़्यादा बंदे हैं, बजाना पड़ेगा भाई। ये देखो इनकी मतलब हिम्मत ही, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। घुसे जा रहे हैं बंदे, ये ले बेटा तू भी ले। मेरे पास फिलहाल नेड नहीं है, नहीं तो मैं कुक करके फेंकूँ भाई, तीन चार ऐसे उड़ जाए। देखो भाई हुआ भाई ब्लास्ट, हुआ आग लगी भाई इधर, तो निकलना पड़ेगा इधर से, हमें निकलना पड़ेगा फिलहाल, फटाफट निकलना पड़ेगा भाई। ऊपर ऊपर से भाई शॉटगन पड़ेगी वहाँ पे, पड़ गई भाई, पड़ गई, रेंज बढ़ी है शॉटगन की, एकदम सप्रेसर लगा रखा है, पता भी नहीं चल रही भाई इनको कहाँ से गोली पड़ रही है भाई। ये तो फिलहाल कवर में बैठ के मारेगा भाई, ये बजा भाई, ये बजा भाई। मेरी हेल्थ तो भाई काफ़ी कम हो चुकी है, मेरे को थोड़ा बहुत कवर में रहना पड़ेगा भाई। किधर से मार रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, अच्छा वहाँ से मार रहा है। ये दोनों गाइस उसमें घुस गए, ये दोनों घुस गए, मार देंगे मार देंगे, बच गया। चलो गाइस चलते हैं भाई, इधर एक कैम गिरा रखी है किसने भाई, अच्छा एक कैम मैंने उठा रखी है ऑलरेडी, चलते हैं। चलो एक कैम सही है गाइस, ऐसे शॉर्ट गन भी भाई बहुत ओपी है, क्लोज रेंज में सबसे बढ़िया गन है शॉर्ट गन भाई। ये दो लोग आ रहे हैं, इनको मैंने AK-MC बजा दिया। चलो तो देखो भाई एग्जिट इधर ही, आ जाओ आ जाओ, चलो निकलते हैं इधर से, भाग लेते हैं। और गाइस हम जो बाहर आ चुके हैं, लेकिन भाई पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है भाई, LSPD भाई हेलीकॉप्टर लेकर आ रहे हैं इस बंदे को, तो मैंने भाई एकदम उड़ा ही दिया। कोई नहीं गाइस, हम जो आगे नहीं जाना गाइस, पीछे जाना है, कि मैं जो एक बार अपने हाथों में से गन वगन हटा देता हूँ ताकि मैं तेज भाग पाऊँ, लेकिन भाई स्पीड तो होती नहीं है, स्पीड में चेंज नहीं आया। इधर से ऊपर चढ़ते हैं भाई, हेलीकॉप्टर सर पे उड़ रहा है, मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको उड़ाता हूँ। रुको अभी एक कैम निकालता हूँ बेटा, तू कहीं और जाके भाई उड़ा, यहाँ से निकल चले गया। चलो इसके पायलट को उड़ा दी भाई, ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया। एक और हेलीकॉप्टर आया भाई, भाग जा बता रहा हूँ। चलो तो गाइस चलते हैं भाई, ये लमार वमार भाई फिसल मत, फिसल रहा भाई लमार, अरे भाई गिर गया गाइस। मैं भी जो जहाँ से जा रहा था गाइस वो गलत रास्ता था, मेरे को ऊपर से वापस चढ़ के आया हूँ भाई। ये बहुत देर से भाई उड़ा रहा है सर पे यार, मतलब कुछ कह रहे नहीं तो भाई उड़ा ही रहा है। ये भी गया भाई, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया पूरा। तो गाइस मेरे को इधर से जाना था, मैं थोड़ा लेफ्ट से चले गया था, पूरा चढ़ के आया वापस से भाई। गाड़ी भाई ये बंदे तो उड़ा रखा है भाई, ये बंदे को तो उड़ा रखा है। कोई नहीं गाइस, इसको बाहर निकालते हैं और चलते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ भाई, तीन स्टार की पुलिस पड़ चुकी भाई। भाई गाड़ियाँ आ गई, गाड़ियाँ आ गई, मेरे को थोड़ा मारना पड़ेगा
भाई उजी है मेरे पे, भाग जाओ। राइट में भी पुलिस आ गई, लेफ्ट में सॉरी भाई, गेट तो खुला ही रह गया, गेट तो बंद ही नहीं कर पाए। इधर से गाड़ी भगा लेते हैं, ठुक गई भाई, गेट तो कोई खुला ही रह गया, तो फ्रैंकलिन को गोली पड़ सकती है। लेकिन भाई जो अपने बंदे हैं ना भाई, लमार और एक और बंदा भाई, जो कि भाई अच्छा खासा भाई एक्सपीरियंस बंदा है, वो लमार बता रहा था भाई, ये आसानी से हम जो पकड़े नहीं जाने वाले भाई, अच्छी शूटिंग है इनकी। देखो भाई ये दोनों पेल रहे हैं, मैं जो ड्राइविंग करूँ भाई, यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो भाई एकदम ब्लॉक कर रखी थी रोड, लेकिन फ्रैंकलिन एकदम बढ़िया ड्राइविंग में, एकदम बढ़िया यहाँ से निकाल लेंगे भाई। ट्रक वाले रुक जा, इधर से गाइस एकदम भगाए, सामने से गाइस एक हेलीकॉप्टर और आ रहा है, मेरे को थोड़ी बहुत गाइस फायरिंग मेरे को भी करनी पड़ेगी। भैया देखो गाड़ी ब्लॉक लगा रखी भाई, गाड़ियाँ खड़ी कर दी मुंह के सामने। ये देखो इधर गाइस अंदर चले जाते हैं, और पुलिस गाइस ढूंढ नहीं पाई है मैं इस एरिया में भाई, गाड़ी तो बिल्कुल ख़त्म है भाई, लेफ्ट साइड से देखो और ठुक गई भाई, क्या बेकार गाड़ी यार, लेकिन जो भी कहो भाई इसने बचा लिया। भाई पूरी उल्टी हो गई गाड़ी, तो मेरे हिसाब से गाइस पुलिस अभी तक जो है हट जानी चाहिए। थोड़ा अंदर ले लेते हैं, क्या पता भाई नजर में आ गए हम लोग, निकल गए भाई, पुलिस हट गई, स्टार हट गए। चलो तो भाई चलते हैं वापस से फ्रैंकलिन के घर। वैसे फ्रैंकलिन घर से कहीं ज्यादा दूर नहीं हो भाई, गलत रास्ता आ गया, मेरे को बैक लेना पड़ेगी, पता नहीं कहाँ जाके निकलेगा टनल, यहीं से निकल लेते हैं फालतू में। चलो गाइस कोई नहीं, फिलहाल फ्रैंकलिन के घर वापस चलते हैं, और यहाँ से मेरे को जो है लेफ्ट लेना है। और गाइस पहले तो मेरे को एक गाड़ी लेनी पड़ेगी, नहीं यहीं कहीं पार्किंग देखता हूँ, गाड़ी दो बंदों की गाड़ी है, ये देखो वहाँ पर पार्किंग है भाई। इसकी तो हालत जो है गाड़ी, ये गाइस येलो वाली कार बढ़िया लग रही है, इसमें चलते हैं। गाइस मैं सोच तो रहा था भाई येलो वाली ले लूँ, लेकिन सिर्फ दो बंदों की जगह है, तो ये वाली गाड़ी हमने ले ली, इसमें चार बंदे आ सकते, लेकिन हम तीन ही हैं, कोई नहीं। किसको पेला भाई ये बंदा, पुलिस वगैरह तो नहीं आ गई कहीं से, कोई नहीं गाइस चलो वापस चलते हैं फ्रैंकलिन डर। तो गाइस मैं फिलहाल फ्रैंकलिन के घर आ चुका हूँ, और ये देखो आ गया फ्रैंकलिन, और ब्रेक लगा देते हैं और अपनी गाड़ी को इधर ही खड़ी कर देते हैं। सुबह भाई दे देंगे गाड़ी को, लेके चले जाएगा भाई, जिसकी गाड़ी होगी बता देंगे। तो गाइस अपना मिशन यहीं पे ही ख़त्म हो चुका है। तो गाइस आज की वीडियो में था इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस जरूर से लाइक कर दें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, और गाइस आज की वीडियो का लाइक है मैंने वाले 40 लाइक्स गाइस करवा देना। चलो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।